आज भी इंडिया में काफी जगह हैं जहां एक्सेसिबिलिटी नहीं देखी जाती। तो आई थिंक अगर कानून की तरीके से दिखाया जाए तो डेफिनेटली इंडिया में काफी सुधार आया है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के साथ एटलीस्ट ऑन पेपर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ काफी राइट्स आ गई हैं। सोसाइटी में क्या इंप्रूवमेंट आई है, डेफिनेटली अगर 20 साल या 25 साल पहले से देखो तो सुधार आया है, बट जो पूरा कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक अभी भी बहुत तरीके से मिसिंग है। आज भी इंडिया में काफ़ी जगह हैं जहां एक्सेसिबिलिटी नहीं देखी जाती, सरकारी बिल्डिंग्स प्राइवेट बिल्डिंग्स दोनों जगहों पे। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि इंडिया के पास एक एक्ट है पर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के तरह हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि देश को दो टाइप में डिवाइड नहीं कर सकते कि कौन विकलांग है और कौन विकलांग नहीं है, क्योंकि विकलांगता कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। कल अगर किसी को कोई चोट फ्रैक्चर लग जाए वो भी मेरी तरीके से एक दो महीने में व्हीलचेयर पे हो जाएगा। भारत में बुजुर्ग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, 6-7% बुजुर्ग लोग हैं। आपके व्यूअर्स में हर घर में किसी के कोई दादा होएगा, किसी की नानी होएगी, और उम्र के साथ घुटने देने लग जाते हैं लोग, कम देखने लग जाते हैं, कम सुनने लग जाते हैं। तो अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एक्सेसिबिलिटी खाली पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। और जब ये रियलाइजेशन पूरी देश में आ जाए तो आई थिंक भारत अपने आप एक्सेसिबल हो जाएगा।